नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। जनपद आजमगढ़ में पुलिस की लापरवाही के कारण कोर्ट में पेशी के दौरान एक असलहा तस्कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस लगातार असलहा तस्कर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक वह पुलिस की पकड़ से दूर है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे थाना देवगांव में रवि प्रकाश सरफ राजबहादुर निवासी मसीरपुर थाना देवगांव, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध शस्त्र के साथ की गई और इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 224/22 धारा 3/25 थाना देवगांव में कायम किया गया। इस अभियुक्त को रिमांड हेतु ACGM कोर्ट में लाया गया, जहाँ से मौका पाकर भाग गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों पर पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। दोषी कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है और उनके विरुद्ध भी जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।